जब दिखता है यारा मैं क्या करूं। जलगांव में एक फैमिली है जो खून का रिश्ता है, बट मुंबई में अगर सबसे पहले मुझे किसी ने फैमिली का एहसास दिलाया तो ये दो ही लोग हैं। ना सीखा कभी जीना जीना कैसे जीना, ना सीखा जीना तेरे बिना। ये जो पेट होते हैं ये सिर्फ बोल नहीं सकते लेकिन हर चीज एक्सप्रेस करते हैं। अमेजिंग एक्ट। ये जो आपका मंच है, इंडियाज बेस्ट डांसर, इज वन ऑफ द बेस्ट डांसिंग मंच इन द वर्ल्ड। प्लीज वेलकम एवरग्रीन पद्मिनी कोल्हापुरे एंड वर्सटाइल की मिसाल द वन एंड ओनली शक्ति कपूर जी। आपकी परमिशन से मैं बात करूं पहले? मेरी परमिशन? देखिए जीजा जी तो मेरे स्पेशल है और परिवार स्पेशल में ये जीजा और साली के अलावा और किसी को बुला ही नहीं सकते थे आप, बिकॉज वी आर द बेस्ट टीम, यू नो। हमारी साली साहिबा, हाँ जी, ये तो कमाल है, धमाल है। इनके बिना हमारा खानदान अधूरा है। बट इनसे सिर्फ एक ही शिकायत रहती है मेरी, जब मेरी शादी भी नहीं हुई थी ये तब से शुरू होगी मुझे जीज बुलाना, हाय जीज, क्योंकि इनको मालूम था कि मैं इनकी बहन के साथ बहुत सीरियस हूँ और शादी उसी के साथ करूँगा। हाय जीज, 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 जीज। इंडस्ट्री की हर लड़की बोलने लगी जी जी जी, एक 70 साल की बुड्ढी आई, हाय जीज, हाय जीज, हाय जीज। अरे यार सब सब जीज बोलने लग गए तो मेरा तो हर जगह से नंबर ही कट गया। तो फिर मैंने बोला ये जीज जीज क्या है, ये जीज जीज। बहुत सारी मस्ती भरी खट्टी मीठी यू नो नोकझोंक देखने को तो मिलने वाली है, अभी से ही पता चल गया है। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप प्लीज वहां पर जाके बैठे। थैंक यू, थैंक यू। सर झुका के कर सलाम है शाम शानदार, आसमां से आ गिरी है शाम शानदार। India, welcome to Parivar special of India's best dancer. शो शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि पिछले हफ्ते और इस हफ्ते के स्कोर्स को मिलाकर आज होने वाला है India's best dancer का अगला एलिमिनेशन। So all the best to all the dancers. और चलिए परिवार स्पेशल में बुलाते हैं हमारे आज के पहले डांसर को। सो इंडिया परिवार स्पेशल में प्रेजेंटिंग जिसने जलाई है अपनी खोई हुई पहचान की मशाल, अक्षय पाल और इनके कोरियोग्राफर अमरदीप सिंह नट। मैं हूं नंदू और मैं हूं चंदू और हम हैं इनके पोते। हाय मैं हूँ लेविस दादी। दादी दादी जब आप इस दुनिया से चले जाओगे तब आप अपनी पूरी जमीन जायदाद किसको दोगे? 24 घंटे में जो सबसे ज्यादा पैसे कमा के मुझे देगा उसे ही दूंगी। जहाँ तेरी ये नजर है मेरी जान मुझे खबर है, जहाँ तेरी ये नजर है मेरी जान मुझे खबर है, बच ना सका कोई आए कितने लंबे हैं मेरे हाथ कितने, देख किधर यार ध्यान किधर, जहाँ तेरी ये नजर है मेरी जान मुझे खबर है। क्यों नहीं जानी तू समझता, काम नहीं है तेरे मन का।
किधर है, अरे होश में आ जा ध्यान किधर है। इंडिया परिवार स्पेशल में प्रेजेंटिंग कोर्ट में लॉयर मंच पे डिस्ट्रॉयर कोलकाता वेस्ट बंगाल से बूगी एलएलबी और इनकी कोरियोग्राफर सौम्या कामले। हाथ मुझे दे दे ठाकुर, मतलब यूं यूं जा रहे थे, मैंने कहा कहीं इसके हाथों में प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन नहीं, प्रॉब्लम नहीं थी। दैट इज अ टैलेंट, अमेजिंग। एंड दिस लिटिल गर्ल, ओ माय गॉड, रबड़ की बॉडी है, रबड़ की, क्या बात है यार। ये जो आपका मंच है, इंडिया बेस्ट डांसर, is one of the best dancing munch in the world. Iske kya hai badan mein haddiyan hai ki nahi hai? And this form is what? It's a waving, popping, liquid pop. वैसे मुझे भी कुछ आता है ऐसा। आहा आहा ओह। ये हमारा Bollywood waving है। सौम्या, खूब छान। Thank you, ma'am. Thank you so much. Boogie is one of the finest dancers we have in terms of technicality. हमें शिकायत यही होती थी कि हमारा Boogie यार expression में थोड़ा कम है, लेकिन पिछले हफ्ते से क्या transformation हुआ है? तो तुझसे प्यार है,
दुनिया बेकरार है। मैं चाहूंगा सर, जब भी हमें परफॉर्मेंस बहुत अच्छा लगता है ना, तो ये हाथ ऐसे उठता है और सीधा बजर पे जाता है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और ये हाथ भी ऐसे उठा के, क्या बात है। मेरा एक ही चीज है आपके साथ, व्हेन यू आर सिंगिंग द सॉन्ग यू सिंग द होल थिंग, क्योंकि लिप सिंक, मैं आई कम फ्रॉम दैट स्कूल के लिप सिंक करो तो पूरा करो वरना ना ही करो, मतलब या तो इस पार या तो उस पार, प्लीज वो एक चीज ध्यान में रखो एंड आई एम श्योर देन यू विल गेट अ फुल 10 फ्रॉम मी। यस मैम, ओके श्योर। 9 marks तो आपका टोटल होता है 29 एंड पिछले हफ्ते और इस हफ्ते के स्कोर को मिलाकर आपका टोटल बनता है 86। इसी बात पे कुछ नजराना पेश करो शक्ति जी को। अरे नहीं यार, मैं सच बता रहा हूँ, इनके जोक्स आउटस्टैंडिंग होते हैं। अरे यार मुझे क्यों फंसा रहे हो यार, ये अच्छा था। अच्छा मुझे बताइए, ये जो नदियां होती हैं, हाँ, ये सुन क्यों नहीं पाती? अरे यार क्योंकि, हाँ बताइए, बहरी होती है। बहरी होती है। अब बह रही है। बह रही है सर आपके लिए भी 1, 2, 3। वाह वाह, ताला हो जाए, प्लीज टेक योर सीट, थैंक यू सो मच। सो इंडिया परिवार स्पेशल में प्रेजेंटिंग एक्सप्रेशन की सल्तनत की रानी साहिबा, हरिद्वार उत्तराखंड से हांस पी टोंग और इनकी कोरियोग्राफर रुतुजा, जोरदार ताला हो जाए। आज हम परिवार स्पेशल सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो मैं हांसवी आपसे जानना चाहूंगा कि परिवार में ऐसा कौन है जो आपका सबसे फेवरेट है? मेरी फैमिली में मैं हूँ, मेरी मम्मी है, मेरे डैडी हैं और एक मेरी छोटी सिस्टर है, लेकिन यहाँ पे आके मुझे एक नई फैमिली मिली है, आईवीडी के सब कंटेस्टेंट, कोरियोग्राफर्स, जजेस, तो यहाँ आके मुझे ऐसा फील नहीं होता कि मैं घर पर नहीं हूँ। बुलबुल तो क्या तुम हमें भूल गई क्या? Oh nice. ये मेरी सिस्टर है, शी इज माई रियल सिस्टर एंड दे बोथ आर माई कजिन्स, बट दे आर मोर देन द रियल वंस। मतलब मेरी लाइफ में मैं बहुत कम लोगों से अपनी बातें शेयर करती हूँ, तो ये एक छोटी है, इससे अगर नहीं करती हूँ तो मेरा भाई और मेरी दी, इन दोनों से मैं बातें शेयर करती हूँ। मतलब मुझे एकदम ऐसा हो गया, ओ गॉड बुलबुल कहाँ से आया, आवाज कौन है, थैंक यू। तो चलिए फिर आप प्लीज फैमिली ब्लॉक पे जाके बैठ जाए ताकि हम हंसपी और इनका परफॉर्मेंस देख सके, एक बार जोरदार ताले हो जाए गाइस। गए पुरिनो आओ रखी पटपट, आज ऐसे नाचो कि पूरा रंगमंच झूम उठे। पर कुछ दिनों में हमारी शादी होने वाली है, बता ये सब छोड़ के कैसे जाए? अगर ये इड़े की खुड़े तुम्ही जावरा आता। रंगमंच की गलियों में हम दोबारा नहीं आ पाएंगे, पर इसकी यादें हमेशा हमारे साथ रहेगी। नाइस। ये गलियां ये चौबारा, यहां आना ना दोबारा, ये गलियां ये चौबारा, यहां आना ना दोबारा।
चल हो जाए। मेरी बस एक ही इच्छा है, मेरी दोनों बेटियां ससुराल जाने से पहले इस मंच से खुशी खुशी विदा हो। अरे मेरी साली खड़ी हुई थी, मैं भी खड़ा होता। क्या बात है यार। पद्मी जी कैसा लगा, आप ही के गाने पे परफॉर्म किया है इन दोनों ने? आउटस्टैंडिंग, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये गाना कहां से कहां लेकर गई आप दोनों, सच में थैंक यू मैम। और लावणी, माई गॉड, माई फेवरेट फॉर्म ऑफ डांस, थैंक यू। Thank you so much. या हम सब जानते हैं कि ऋतुजा बहुत अच्छा लावणी तो करती हैं, लेकिन हंसवी से मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड था। हंसवी, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू टुडे। थैंक यू मैम। जितना आपसे बन पड़ता था, यू हैव ट्राइड एंड जस्टिफाइड इट। अपनी उस क्लासिकल की जो शैली है उससे बाहर निकल के, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के हर हफ्ते कुछ नया ट्राई करना, वी हैव टू गिव इट टू यू बिकॉज यू आर रियली वर्किंग हार्ड। आई थॉट यू डिड अ फैंटास्टिक जॉब। गॉड ब्लेस यू, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। ऑलराइट देन, आपका टोटल होता है 27। पिछले हफ्ते और इस हफ्ते के स्कोर्स को मिलाकर आपका टोटल होता है 84। लोगों को शायद मालूम नहीं होगा कि ये गाना है, पद्मनी जी कितना अच्छा गाती हैं। वाह, तो पद्मनी जी को मैं थोड़ा गंभीर सिचुएशन में डाल दूं? हाँ, आपके ऊपर है भैया, आप तो कुछ भी कर सकते हैं। हाँ हाँ, पद्मनी जी, साली साहिबा, दो लाइनें गा दो ना। हो जाए, हो जाए, हो जाए। आज जोड़ता हूँ, तुम्हारा जीजा हूँ। ये गलियाँ ये चौबारा, यहाँ आना ना दोबारा, अब हम तो भए परदेसी के, तेरा यहाँ कोई नहीं। देखा, साली हो तो ऐसी हो। क्या बात है, इतना गुनी खानदान। मतलब आहा हो ही। आ जाइए स्टेज पर ही, आ जाइए एक बार, जोरदार तालियां हो जाए इनकी फैमिली के लिए।
All right, तो सबसे पहले मैं हंसवी की जो रियल सिस्टर है उनसे बात करना चाहूंगा. बताइए कितना प्राउड फील कर रही हैं हंसवी यहाँ तक पहुंची है. आज सामने से देख के दीदी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा लगा. मैं 6 महीने बाद मिली हूँ दीदी से. एंड दीदी को हरिद्वार में तो सभी जानते हैं कथक की वजह से, लेकिन IBT पे आने के बाद दीदी को सब पहचानने लगे और इसका फायदा मुझे भी बहुत ज्यादा होता है. कैसे कैसे? जहाँ मैं पढ़ती हूँ जब दीदी को लोगों ने वहाँ पे देखा तो सब आके मेरे से पूछते हैं हंस भी तुम्हारी बहन है? मैंने कहा हाँ जी. तो फिर वो मुझे ज्यादा टेंशन देते हैं, टीचर्स भी मेरे को ज्यादा टेंशन देते हैं. अरे वाह. तो बहुत प्राउड फील होता है एज अ सिस्टर. मैं हंसी के बारे में आपको एक बेस्ट क्वालिटी बताती हूँ. यस, आप बताइए. तो हंसी बहुत ऑर्गेनाइज्ड है, बहुत ज्यादा. ओके. तो आप जब भी उसके रूम में जाएंगे तो आपको एक ऑर्गेनाइज तरीके से पूरे रूम में उसके कपड़े फैले हुए मिलेंगे. एंड अगर गलती से आपने उसकी कबर्ड ओपन कर दी तो आपके ऊपर एक कलरफुल कपड़ों का ढेर आकर गिरेगा. और जैसे आपको पता है मम्मी और मेरे बिना तो इसका कोई काम चलता ही नहीं है. अगर इसको पानी भी पीना है तो वो मेरे से कहेगी बहन दे दे ना, प्लीज दे दे. इतना मक्खन लगाएगी मेरे को कि बहन प्लीज दे दे. और अगर नहीं दिया तो वो प्यासी बैठ जाएगी लेकिन वो पानी नहीं लेगी. ये मेरे से 5 साल बड़ी है, इसको मेरा टेक केयर करना चाहिए ना, लेकिन मैं उसका ध्यान रखती हूँ. और केयरलेस तो इतनी अजब भैया कि अगर मैंने इसको कोई सामान दे दिया तो वो वापस आएगा ही नहीं. आप उस सामान को आखिरी बार देख रहे हो. ये आप सभी कैंडिडेट्स के लिए भी है. अच्छा, इसको सामान मत देना. एक्सक्यूज मी. हाँ जी. मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप लोगों ने छुप के इनका खानदान यहाँ पे बुलाया है. हाँ. कहीं गलती से आपने मेरी बीवी को तो नहीं बुलाया? पद्मिनी मैम मेरे सामने है, मैं ये मौका नहीं गंवाना चाहती और मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप प्लीज आए मेरे साथ इस गाने पे, प्लीज डांस कीजिए थोड़ा सा. आप दोनों मिले हुए हो क्या? इन्होंने गवाया, अभी आप मुझे नचाएंगी. क्या बात है यार, जोरदार तालियां हो जाए. वाह, मेरी साली को ज्यादा टॉर्चर नहीं करना. नहीं नहीं. हमारे लेजेंडरी फॉर्मर कैप्टन MS धोनी ने एक बार कहा था कि मैं अगर मैच हार कर भी घर आ जाऊं तो मेरे पेट्स का प्यार मेरे लिए कभी कम नहीं होता, क्योंकि जिस अनकंडीशनल लव को हम बाहर लोगों में ढूंढते हैं कई बार वो प्यार हमें हमारे पेट्स में मिल जाता है, जिनकी सिर्फ एक ही शर्त होती है कि बिना शर्त के प्यार करना.
और परिवार के इस बिना शर्त के प्यार को इस मंच पे दिखाने वाले हैं हमारे अगले परफॉर्मर्स। सो इंडिया परिवार स्पेशल में प्रेजेंटिंग म्यूजिकलिटी है जिनकी ढाल, चंडीगढ़ पंजाब से विपुल खानपाल और इनके कोरियोग्राफर पंकज थापा। विपुल, ऐसे उदास क्यों बैठा है? क्या करूं भैया, कोई है ही नहीं घर पे, अकेला फील हो रहा है। अरे ऐसे अकेला फील मत कर, देख हमारे घर एक नया फैमिली मेंबर आया है। बर्फी। बर्फी। दहलीज़ पे मेरे दिल की जो रखे है तूने कदम, तेरे नाम पे मेरी जिंदगी लिख दी मेरे हमदम। हंसी का मैंने जीना, जीना कैसे जीना, हंसी का मैंने जीना मेरे हमदम। ना सीखा कभी जीना, जीना कैसे जीना, ना सीखा जीना तेरे बिना हमदम। सच्ची सी है ये तारीफें दिल से जो मैंने करी है, जो तू मिला तो सजी है दुनिया मेरी हमदम। आसमां मिला जमीन को मेरी यादे यादे पूरे हैं हम। तेरे नाम पे मेरी लिख दी मेरे हमदम। हंसी का मैंने जीना, जीना कैसे जीना, हंसी का मैंने जीना। हेलो विपुल, आप सिलेक्ट होते हो शो के लिए और आपको जल्द ही मुंबई आना है। ना सीखा जीना तेरे बिना। बस हमेशा पेट्स रहे हैं, ग्रेड एन से लेके पॉम से लेके आई हैव वन पेट नाउ। वो नेपाल का है, छोटा सा है, उसको क्या बोलते हैं, उसको उसकी जात मालूम नहीं है, पर उसकी जात ये है कि वो इंसान से बड़ी जात है उसकी। वाह वाह वाह। ये जो पेट होते हैं ये सिर्फ बोल नहीं सकते लेकिन हर चीज़ एक्सप्रेस करते हैं। I have heard my dog talking to me and I understand what he is talking. वो रोता है मुझे समझ में आता है, वो खुश होता है मुझे समझ में आता है।
amazing act. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you. Thank you so much. बहुत कमाल का एक्ट था. रिलेटेबल तो है ही क्योंकि मेरे पास तीन तीन कुत्ते हैं एंड आई अंडरस्टैंड द इमोशन विपुल जिस तरीके से आप उसको मिस कर रहे हैं. दहलीज़ पे मेरे दिल की जो रखे है तूने कदम. आई जस्ट वांट टू से पंकज यू आर ब्रिलियंट टुडे बिकॉज आप एक कुत्ते या डॉग के हैसियत के साथ ही आपने उसको डांस करा है. हाँ सीखा मैंने जीना, जीना कहीं पर आप सडनली एक इंसान की तरह नहीं नाचे. मैंने जीना जो हैंडशेक होता है जो पॉ के साथ हम लोग खेलते हैं उसके साथ ऑल दोज मोमेंट्स या पिकअप भी है या वो फ्रिस्बी के साथ खेलना देर वर मेनी सच वेरी ब्यूटिफुल मोमेंट्स बट कैप्चर्ड इन डांस. बट विपुल जिस तरीके से आपने उसको निभाया है और क्या सिंक और साझेदारी थी. ये आपका हक का बन. वेल डन विपुल बनता है. थैंक यू सर. थैंक यू. थैंक यू सो मच. सबसे ब्यूटीफुल बात ये है पंकज आपने सोचा परिवार स्पेशल है और ये इतनी सही बात है कि हमारे पेट्स हमारा परिवार है. मैंने हमेशा कहा है कि मेरी पेट मेरी हीलर है क्योंकि यू नो जो वाइब्स आते हैं आई लिटरली जैसे मैं घर आई वापस मेरे ट्रीटमेंट के बाद आई कुड फील माई सेल्फ गेटिंग बेटर एवरी टाइम शी केम क्लोजर. वो हीलर्स हैं. आई रियली रियली लव द एक्ट फॉर द कॉन्सेप्ट फॉर द परफॉर्मेंस फ्रॉम मी टू. मैं समझती हूँ आपका भी एक पेट है घर पे जिसकी वजह से आपने बहुत अच्छी तरह यू हैंडल्ड दैट एंटायर सिचुएशन. वेरी वेल डन विपुल. ऑलराइट विपुल एंड पंकज इस हफ्ते के स्कोर्स को मिलाकर आपका टोटल होता है 89. क्या बात है. इतने शोज करने के बाद भी जलगांव आना पड़ा. एक काम करता हूँ सर को कॉल करता हूँ. सर मला थोड़ा काम भेटेल का. शिवम ऑलरेडी मेरे पास ना बहुत लोग हैं तो मैं तेरे को बताता हूँ. अरे शिवम तू आ गया. मैंने बोला था ना कि मैं नहीं रख सकता किसी और को. सर मुझे पैसे मत दो पर मुझे सीखना है. चल ठीक है आ जा. तू ही तो जन्नत मेरी तू ही मेरा जुनून. तू ही तो मन्नत मेरी तू ही रूह का सुकून. तू ही अखियों की ठंडक तू ही दिल की है दस्तक. तू ही अखियों की ठंडक तू ही दिल दस्तक. और कुछ ना जानू मैं बस इतना ही जानू तुझ में रब दिखता है यारा. मैं क्या करूं सजदे सर झुकता है यारा. मैं क्या करूं तुझ में रब दिखता है यारा. मैं क्या करूं. शिवम ये ले तेरा पेमेंट. अरे सर पेमेंट नहीं. नहीं सर. अरे तूने अच्छा काम किया इसलिए दे रहा हूँ. ऐसे ही काम करते रहे बहुत तरक्की करेगा. वही नहीं कुछ नहीं प्रैक्टिस कर रहा था. तूने खाना खाया? नहीं अभी खाने वाला था. एक काम कर घर आ जा. कभी तेरी खुशबू कभी तेरी बातें बिन मांगे ये जहां पा लिया. तू ही मेरी है बरकत तू ही मेरी इबादत. और कुछ ना इतना ही
जानूं। अब डर नहीं है किसी भी चीज का। जिंदगी में एक नया दौर खिल गया। मेरी माँ को भी अब चिंता नहीं है क्योंकि यहाँ परिवार के रूप में मुझे रब मिल गया। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। सजदे सर झुकता है यारा, मैं क्या करूं। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। I love you, Vaibhav. I love you, Maa. पहला तो यही बोलूँगी। आंसू पे मत जाना, मैं बहुत खुश हूँ। बहुत खुश इसलिए हूँ कि शिवम फाउंड अ गुरु लाइक यू। तुझ में रब दिखता है। और शिवम, the way you looked at him throughout this performance, the way you performed it, it wasn't a performance. It was, they were words from your heart. तू ही तो जन्नत मेरी, तू ही मेरा जुनून, तू ही तो मन्नत मेरी। May God bless you. And ये आपकी जोड़ी ऐसे हमेशा ये जो प्यार है वो बना रहे। I love you both. Thank you, ma'am. Thank you so much, ma'am. Thank you, ma'am. Beautiful moment आया। सजदे सर झुकता है यारा, that was mind blowing. सजदे सर झुकता है यारा, मैं क्या करूं। जब सोलो मोमेंट आया शिवम का, आई लव्ड हाउ म्यूजिकली आपने इसको इंटरप्रेट किया। ढोलक का दो साउंड था, ठक ठक, और आपने उसको अपने नी ड्रॉप्स के साथ यूज करा। शिवम, यू आर ग्रेट, सो गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर। शिवम, तुझा परफॉर्मन्स लई भारी होता। थैंक यू मैम। वैभव, तुमको तो मैं कब से देख रही हूँ। क्या बोलूँ तुम्हारे लिए। थैंक यू मैम, थैंक यू। स्कोर्स, थैंक यू सर, 29। तो पिछले हफ्ते और इस हफ्ते के स्कोर्स को मिलाकर आपका टोटल होता है 89। क्या बात है, क्या बात है। वहिनी बहुत देर से वहां पे बैठी हैं, ऐसा नहीं लगता इनको बुला लेना चाहिए। बिल्कुल, परिवार बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। यस, आइए आइए, प्लीज यहां पर आ जाइए स्टेज पे, एक बार जोरदार तालियां हो जाए। मेघना, आज ये परफॉर्मेंस देख के आपको कैसा लगा? मतलब हमेशा ही वो परफॉर्मेंस बहुत अच्छा करता है ये शिवम, बट आज स्पेशल था मेरे लिए और मुझे बहुत अच्छा लगा उसको देख के ये प्लेटफॉर्म पे। जब भी मैंने उसको फर्स्ट टाइम देखा था ना रिहर्सल हॉल पे, तो बोले इतने छोटे बच्चे को रखा है तूने असिस्टेंट में। बट जब भी मैंने उसको काम करते हुए देखा था ना, मुझे इतना अच्छा लगा था। मैंने उसको बोला था वैभव को, कभी इसको छोड़ना मत। ये तुझे बहुत आगे लेके जाएगा। और आज सीरियसली वैभव का नाम ये बहुत ऊँचा कर रहा है और मुझे बहुत मज़ा आ रहा है उसको देख के। शिवम, आज मेघना आई है, उन्होंने आपका एक्ट देखा, आपको कैसे लगा उनके सामने परफॉर्म करते हुए? मैम, एक्चुअली ये दोनों लोग मेरे लिए बहुत स्पेशल है। जलगांव में एक फैमिली है जो खून का रिश्ता है, बट मुंबई में अगर सबसे पहले मुझे किसी ने फैमिली का एहसास दिलाया तो ये दो ही लोग हैं। भाभी एकदम बड़े सिस्टर की तरह मेरा ख्याल रखती है, मैं घर पे बुला के मेरा फेवरेट खाना बनाती है। हम दोनों मिलके दोस्त की तरह वैभव सर की मजाक उड़ाते हैं, वो बेचारे घर पे
मतलब एक साइड में हो जाते हैं और हम दोनों एक साइड हो जाते हैं और अभी भी ऐसा ही लग रहा है ये इस साइड आ गया तुम दोनों साथ में हो गए लव यू सर एंड लव यू वहिनी अरे वाह लाइफ टाइम तक ये रिलेशन में ऐसे ही रखना चाहता हूँ हमेशा रहेगा लो चली मैं Yeah.
सोलोस को और बैटल को मद्देनजर रखते हुए जिसकी जर्नी आज इस प्लेटफॉर्म से खत्म हो जाएगी, उसका नाम है नॉर्बू। नॉर्बू, जनता ने आपको बहुत प्यार दिया और आपको फिर से बुलाया। बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर ऐसे दो कलाकार हैं जिन्होंने आपसे ज्यादा बेटर परफॉर्म किया है। नॉर्बू, होप टू मीट यू अगेन। गॉड ब्लेस यू। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.